तो महागठबंधन जो बना है वो बड़े ऊपरी नेताओं के बीच में बना है, हमसे सब आम विधायकों के बीच आम लोगों के हिसाब से नहीं है, ना ही हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे मतदाताओं के हिसाब से। इसलिए आप जो बोले कि नॉमिनेशन के बाद आप सक्रिय हो रहे हैं, मैं भी एक उम्मीदवार था झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और हजारीबाग गिरिडीह मुझे लगा कि महागठबंधन से मुझे भी मौका मिलेगा, परंतु टिकट नहीं मिला तो हम लोग निर्दलीय नॉमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो गठबंधन को लगे कि हम उसके लायक नहीं है, इसलिए हमको वो उम्मीदवार नहीं बनाया। तो जब हम उसके लायक नहीं हैं, तो हम उसके लायक काम कैसे करेंगे? इसलिए हमने निर्णय लिया है, सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, समस्त झारखंड में जो महागठबंधन, जो ठग गठबंधन बना है स्वार्थ नेताओं का बीच में, उस महागठबंधन के विरोध में टेकलाल बाबू के नाम को लेकर समस्त 14 लोकसभा में, और जहां जहां टेकलाल बाबू के फॉलोवर है, जहां जहां चाहने वाले हैं, सब जगह पर जाकर हम राजग महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे। क्योंकि देश और राज के जो हालात है वो भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन ही प्रदेश और राज को, देश को संभाल सकता है। चूंकि NDA गठबंधन ने ही झारखंड अलग राज दिया है, देश में बहुत प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय से यहाँ पर झारखंड राज का मांग होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही अलग राज दिया। इसलिए मुझे राजग गठबंधन और देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आस्था है, और उन्हीं को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए समुचित 14 लोकसभा में जयप्रकाश भाई पटेल अपने कुनबे के साथ राजग गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। क्या माना जाए?